मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित समित्र मैदान में आयोजित गौ ग्राम महाउत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों फीता काट कर किया गया। गौ ग्राम महाउत्सव 7 दिन के लिए आयोजित किया गया है, जहां गाय से बने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां मौजूद स्टॉल पर सामग्री उपलब्ध है। राज्यपाल के हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद प्राची एकेडमी के बच्चों ने भगवान कृष्ण के गाने पर भरतनाट्यम नृत्य इस मंच पर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आयोजक है संजय अमान। यह कार्यक्रम समाज सेवक राम कुमार पाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा की अहम भूमिका रही। इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्य व्यवस्था में निरंतर लगे नजर आए। इस दौरान राम कुमार पाल और संजय अमान ने महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गौ माँ की तस्वीर देकर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गाय माँ को लेकर अपनी बात रखी, किस प्रकार गाय को लेकर देश में गाय सेवा कार्य हो रहा है। और इस दौरान मौजूद राम कुमार पाल, संजय अमान, विशाल भगत, धर्मेश जोशी, भावेश दोषी, रूपा दोषी और अन्य उपस्थित लोगों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई से। सभी हमारे वरिष्ठ सज्जन भाई और बहनों, अब संजय अमान ने तय किया कि वो गौ की सेवा करेगा। हमारे यहां पहले कहते थे अंग्रेजों के जमाने में कि जब तलवार सामने हो तो अखबार निकालो। अमान ने देखा कि गाय नहीं बच रही है तो इसने अखबार निकाल लिया, तो इसलिए अमान को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और गाय के बारे में कोई बहुत ज्यादा बोलना मैं सोचता हूँ इसलिए बहुत आवश्यक नहीं है कि हम सब भारतीय भारत में हम जानते हैं कि पैदा होने से लेके मरने और मरने के बाद तक भी गौ का ही महत्व है। और जब पैदा होना और उससे बाद तक गौ का महत्व है, अब हो सकता है जमाना बदल गया है, आजकल टीवी और मोबाइल और क्या क्या आ गए हैं, लेकिन कुछ भी करिए और जो गाय माता है उसका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं संबंध आता ही आता है। और केंद्र में सरकार है और प्रदेशों में भी बहुत सी सरकारें हैं जो ये ध्यान दे रही है, जिनके ध्यान में आ रहा है, जैसे हमारे संजय अमान है, ऐसे बहुत लोग देश में प्रयास कर रहे हैं। संजय को लगता होगा कि मैं ही ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, तो ऐसे अनेकों लोग प्रयास कर रहे हैं और देश के अंदर अनेकों गौशालाएं हैं और सरकारी गौशालाओं से अधिक अच्छे हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो उससे कहीं कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने 20 ऐसी गौशालाएं जहाँ 5,000, 10,000, 6,000 ऐसी गायें पलती हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र को मेरा, मैं डॉक्टर दिव्यानी कटारा, सेव द गर्ल चाइल्ड ब्रांड एम्बेसडर उदयपुर। आप सभी लोगों को पता है कि लंपी की महामारी किस तरह से हमारे देश को प्रताड़ित कर रही है और किस तरह से फैल रही है। हालांकि मैं और मेरी टीम हम लोग पिछले 2 महीनों से लंपी के लिए लगे हुए हैं और उदयपुर में अगर आप बोले तो ये बोल सकते हैं कि 95% जो गाय रेस्क्यू किए वो हम ही लोगों ने किए। और गायों को रेस्क्यू करने के बाद हम लोग उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और हम बस यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी गौ माता लंपी वायरस से बच जाए और हमारा जो भारत है वो हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहे। राम कुमार पाल सर जी, जिस तरह से इसको काफी आगे बढ़ाने में उनका भी काफी है, उस पे ही लगे हुए, क्या कहना चाहेंगे उनके साथ, किस तरह से जुड़कर आप आगे संस्था के, अगर उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो मैं जरूर उनके साथ जुड़ूंगी और जितना हमारे से समर्थन हो पाएगा और जितनी हमसे मदद हो पाएगी हम जरूर करेंगे। तो आज का ये जो आयोजन किया गया है गौ को लेकर, जिस तरह से आगे हम बढ़ा रहे हैं और
राज्यपाल जी का भी सपोर्ट हुआ है, किस तरह देख रहे हैं आप? राज्यपाल ने तो बहुत ही अच्छा बच्चों को आज जो एक सम्मान दिया है, जो बहुत ही सराहनीय है, और इससे उत्साह बढ़ता है बच्चों का। और मेरे भाई संजय अमन इस राह में अकेले चल रहे थे, मैं उनका एक राहगीर साथी बना हूँ और मुझे अभिमान है साथी बनने के लिए। इस संस्था का संरक्षक भी बनाया है संजय बलोदी और संजय अमन और राम और विशाल भगत, हम लोग कुछ करने के लिए निकले हैं, बाकी माँ करेगी। तो क्या लग रहा है आज पहला दिन था, कितना सफल आपको लग रहा है कि लोग किस तरह से स्टॉल पे जाके लोगों का किस तरह से इंटरेस्ट आपने देखा इसमें? जिस हिसाब से कार्यक्रम है और मेघ जी परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम उस हिसाब से सफल ही रहा है, ठीक रहा है, और आगे 8 दिनों में हम और सुधार लेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दिन था जिस तरह से गाय को लेकर उन चीजों को जिस तरह से आपने इतना अच्छा आयोजन किया, आज राज्यपाल जी पहुंचे थे, कितनी खुशी है इस बात की, जिस तरह से उन्होंने काफी आपकी सराहना भी की इस कार्य के लिए? देखिए, ये 7 दिवसीय चलने वाला एक काउ बेस्ड इकोनॉमी को बिल्डअप करने का ये एक फेस्टिवल है। मैं ये कहूँगा कि ये अवेयरनेस कम्युनिकेशन कैंपेन है जो समाचार पत्र पब्लिकेशन समूह के माध्यम से किया जा रहा है, और आज पहले दिन में ही आपने प्रतिसाद देखा कि किस तरह से इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये हमारी पूरी टीम की मेहनत है जो इस कार्यक्रम की सफल हुआ आज इसकी ओपनिंग। ये पूरी एक टीम है, हमारी एक समिति है, हमारे संजय बलोदी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे रामपाल जी हैं, तो ऐसे अलग अलग टीम में विशाल हैं, तमाम लोग हैं जो जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ जिन्होंने निभाई हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम तभी सफल पाया, हमारे संतोष साने जी हैं और इन सब के सपोर्ट से और सहयोग से ये कार्यक्रम आज हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ये अपने आप में इस तरह का एक पहला इवेंट है, ये भारत देश का पहला ऐसा काउबेस इकोनॉमी को लेके चलने वाला इवेंट है जो किया गया है, क्योंकि काउबेस इकोनॉमी का एग्जीबिशन आज तक नहीं हुआ। जब आप इस प्रोजेक्ट को लेकर महामहिम राज्यपाल जी के पास गए थे, तो किस तरह का उनका जवाब रहा, कितना ज़्यादा उनको लगा कि हाँ इस तरह के प्रोग्राम में आना चाहिए? माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र के लोकनायक और जननायक हैं, उनका बड़ा स्नेह है हम जैसे स्वयंसेवी संगठनों के प्रति रहता है, तो जब उन्होंने इस विषय हमने इस विषय को उनके सामने रखा तो उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की और अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए हमें दिया। सोशल वर्क में हमेशा ही रामपाल सर को देखा जाता है, कोई भी ऐसा मुद्दा हो जहाँ पर वो हमेशा ही फ्रंट में नजर आते हैं, तो किस तरह से आपके साथ वो जुड़े, किस तरह से आपकी चर्चा है कि वो आपके हमारे साथ? हमारे अखबार, हमारा जो अखबार है, मेरा एक पब्लिकेशन समूह है हम लोग गो भारत भारती, उसके पैट्रॉन हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो इसकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती है तभी जुड़ता है, क्योंकि हम भी समाज सेवा से जुड़े हैं और वो भी समाज सेवा से जुड़े हैं, तो हमारी एक दूसरे की विचारधारा है, समरस है, समान है। और आज जो जितने लोग आप खड़े हैं, तो आप समझिए कि सारी विचारधारा के समरस भावना वाले विचारधारा के लोग हैं, जब विचारधाराएं मिलती हैं तभी समन्वय होता है और इस तरह के आयोजन होते हैं। आज राज्यपाल को हमने इस मंच पर देखा है, इस प्रोग्राम में देखा है, आगे 7 दिन क्या और भी ऐसे गेस्ट हम जी मंच पर देखें? जो अतिथियों के नाम जो है प्रस्तावित हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि जो आज जैसे आज के जो और भी अतिथि माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनका वीडियो संदेश आपने देखा, क्या होता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से और सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से एंड टाइम पे कोई भी प्रोग्राम चेंज हो सकता है, तो हमने सबको संभावित हैं ये अतिथि, वो कल कौन होगा अतिथि? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि संभावित अतिथि किसी, अभी से पहले बोल करके हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन संभावना है कि पुष्कर सिंह धामी और सुधीर मुंगंटीवार जी और हमारे CM है देवेंद्र फडणवीस जी, सिंधे साहब, संभावनाएं व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि उनकी एक बेस्ट शेड्यूल है और उन्हें पूरा महाराष्ट्र देखना है, तो यदि उन्हें समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम को शेड्यूल किया है, अगर जैसे समय मिलेगा पक्का है कि हमको आशीर्वाद देने के लिए। यस, बिल्कुल, पिछले 10 साल से मैं कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि की आधारित पर है, और कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो गौ माता के सिवाय पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि पुरातन से चलते आया है गोमय वस्ते लक्ष्मी गोमूत्र धन्वंतरी, हमारे गौ माता में लक्ष्मी है जो किसान से जुड़ी हुई है, और इसीलिए ये जो प्रयास है अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का, आज गाय जब किसान के घर जाएगी तब किसान का खाद घर के घर में बनेगा और किसान खेती कर पाएगा, कि गाय से बने हुए उत्पाद जब तक बाजार में नहीं जाएंगे और उसको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तब तक काउ बेस्ड इकोनॉमी खड़ी नहीं होगी, और इसीलिए आज का ये प्रयास था कि हम अच्छे से अच्छे लोगों तक ये संदेशा पहुंचाए कि गौ माता के आधारित जितने भी उत्पाद बनाए गए हैं उनको हम अच्छी तरीके से परखें और उनको हम सही दाम देने का प्रयास करें। आज संजय अमन जी के साथ हमारे सभी जो लोग जुड़े हुए हैं गौ भारत भारती के द्वारा, ये पहला देश का प्रयास है कि जो प्रयास काउ बेस्ड इकोनॉमी को खड़ा करने की चाहत रखता है, और मैं यहाँ पर
निसंदेह हूँ कि सही में देश के सभी लोग इस प्रयास में जुड़ेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक है संजय अमन जी, और जैसा कि आपने देखा कि इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद भी और इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी आए, और हमारा जो एक टीम है जैसे अपने संतोष जी हो गए, रामपाल जी हो गए, संजय बुलंदिया जी हो गए, और जितने भी अपना ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हो गए, ये लोग जितने लोग हैं सब मिलके हम लोग का प्रयास है कि काऊ बेस्ड इकोनॉमी के माध्यम से लोगों को जोड़ना, ताकि गाय के द्वारा पता चलना चाहिए कि आपने आए दिन देखा होगा कि गाय को मार के फेंक दिया जाता है, गाय का हत्या कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि गाय की हत्या इसलिए कर दिया जाएगी, उससे कोई काम नहीं है, लेकिन गाय से क्या क्या फ़ायदा होता है इसको इस उत्सव में जो कैंप लगा हुआ है स्टॉल में, उसके यूजेस जो है वो पता चलेगा और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो एक अलग से इकोनॉमी खड़ा होगा, काउ बेस्ड इकोनॉमी, और ये भारत में एक ऊर्जा देने का काम करेगा। अभिनंदन करना चाहूँगा संजय अमन जी और मेरे बड़े भाई मार्गदर्शक श्री राम कुमार जी का, कि आज उन्होंने कुछ हटकर सोचा है, जो रियल सेंस में अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का एक निस्वार्थ प्रयत्न है, और हम सबको ये संस्कृति को जो गौ माता का है प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना चाहिए। इसमें भारतीय संस्कृति नहीं, विश्व की संस्कृति इसमें जो अगर फैलेगी तो विश्व में एक अमन आएगा और सुख शांति आएगी। रूपा जी, घर संभालने के साथ साथ जिस तरह से सोशल वर्क काफ़ी आप करती हैं हर वीक में, जो हम देख पा रहे हैं, आज आप किस तरह से देखती हैं इस मुहिम को, जिस तरह से ये आयोजन जो किया गया, लोगों से क्या आप अपील करेंगे कि यहाँ पर लोगों को किस तरह से स्टॉल पे आना चाहिए? गाय हमारे लिए पूजनीय है, और आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं गाय पे, तो ये गौ भारती के माध्यम से जो उनकी रक्षा करने का और जो उन लोगों का गाय माता जी से जो भी फायदा हो रहा है वह ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले। देखिए, सबसे पहला तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ संजय अमन जी का, हमारे बड़े भाई साहब राम कुमार पाल जी का, संजय बोलोदी जी का, और जैसे कि आपने बोला कि गौ रक्षा की बात हो रही है, तो आज ये प्रोडक्ट का जो संजय जी ने ऐलान किया है कि भाई इकोनॉमिक को अच्छा स्ट्रॉन्ग करे, जो गौशाला है उनको एक अच्छा फंड मिल सके प्रोडक्ट के द्वारा, जैसे बाहर की कंपनियां बहुत सारी आती हैं, हिंदुस्तान की कंपनियां भी बहुत सारी आते हैं, तो हम हमारी मातृभूमि और हमारी गौ माता को भूल रहे, तो उनका प्रोडक्ट यूज़ करना है जो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा है और बेस्ट है। आज से कई सालों पहले लोग गौमूत्र पी के भी बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे और निरोगी रहते थे। दूसरी, मैं एक अपील करना चाहता हूँ संजय जी के माध्यम से, संजय अमन जी के माध्यम से, कि जैसे आज वंदे मातरम ट्रेन वगैरह हुई है, जिस तरह से गायों को खुला छोड़ दिया जाता है, तो मैं उनसे भी एक अपील कर रहा हूँ कि भाई आप इस मैसेज को अपने अखबार द्वारा पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं कि देखो, एक बाजू अच्छा मोदी सरकार काम कर रही है, दूसरी बाजू हमारे प्राणी वगैरह जो भी है, जैसे गाय है, गाय माता है, काफ़ी डॉग्स वगैरह है, दूसरे प्राणी हैं, उनको सेफ्टी होनी चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। और ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है। आपने राज्यपाल जी के लिए आज एक तस्वीर दी, आपने उन्हें भेंट की है, जो आपने दिया है, क्यों आपको लगा कि यह तस्वीर जो है वो उनकी, क्योंकि जो हम उसमें देख पा रहे हैं तस्वीर में काफ़ी हमें अलग जी। देखिए, ये कृष्ण की भूमि है और कृष्ण की सबसे प्यारी चीज़ है गौ माता, तो उस हिसाब से वो थीम के ऊपर मैंने उनके लिए तस्वीर लेके आई है और उनको समर्पित किए है। थोड़े से रश में भी थे सर, तो वो हिसाब से उनको समर्पित किए, ज़्यादा करके मैं वो एक थीम पे गया हूँ, क्योंकि गौ माता और कृष्ण भगवान का जो है, और आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन संस्कृति है, उस हिसाब के ऊपर मैंने थीम ली है। बहुत भाग्यशाली ये अपना जो मैदान है ये भाग्यशाली हो गया, क्योंकि जो संस्कृति जो गौ माता को गौ माता बोला जाता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है। गौमूत्र लेके जाते हैं, बोलते घर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आज धीरे 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 अपना संस्कृति जो है ख़त्म होती जा रही है, तो इसलिए जो आज इतना बढ़िया महोत्सव होने जा रहा है, गौ माता गौ भारत भारती बहुत बढ़िया महोत्सव होने जा रहा है, इसी से जो है सबको
ये जो प्रचार हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। आगे के लिए जो बोलते हैं ना इंग्लिश दवा कहीं ना कहीं किसी को सबको ख़त्म कर रही है, तो आयुर्वेदिक इसमें गौमूत्र से भी बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा भी बन रहे हैं, घी है, दूध है, आजकल दूध में भी गाय में भी बोलते बीमारी आने लगी है, लेकिन जो और बोलते हैं ना कि जो नेचुरल खिलाया जाता है गाय का वो प्रोडक्ट यहाँ पे बेचे जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत सबके लिए लाभकारी होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।